हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं नवरात्रि स्पेशल भोग की थाली। उसके लिए मैंने रात को ही काला चना जो था वो भिगो दिया था। तो अभी जो है वो हम इस काले चने को कुकर में एक सीटी लगा लेंगे। तो यहाँ मैंने कुकर में 1 से 1.5 गिलास पानी डाला है और जब ये पानी अच्छे से गर्म हो जाए तो हम उसमें अपनी चना जो है वो डाल देंगे। चने डालने के साथ साथ ही थोड़ा सा नमक डाल दें। नमक को अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद कुकर को बंद कर दें और 1 से 2 विसल आने दें। तो ये हमारी पहली विसल आ चुकी है और दूसरी भी। अब जब तक वो चना जो है वो कुकर में रहता है तब तक हम हमारा आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पूड़ी के लिए आटा लगाने वाली हूँ। तो मैंने उसमें ऐड किया है थोड़ा सा अजवाइन। अजवाइन को अपने हाथों के बीच में थोड़ा सा मसल लें तो उससे उसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा निखर कर आता है। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर ऐड किया है हल्दी पाउडर, जिससे पूड़ी का कलर जो है वो थोड़ा पीला होता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद हम सारी चीज़ों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गर्म पानी से जो पूड़ी का आटा है वो हम लगाएंगे। पानी एक साथ ज़्यादा मत डालें, आपको पानी जो है वो धीरे धीरे करके ऐड करना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट और ना ही ज़्यादा सख्त डो जो है वो लगाना है। अब थोड़ा सा ऑयल ले लें अपने हाथों में और इसको चारों तरफ से अच्छे से ग्रीस करके रख दें। मैं अच्छे से मथ रही हूँ इसको ताकि जो ऑयल है वो चारों तरफ लग जाए। और अब एक गीला कपड़ा लेके हमें इसको चारों तरफ से ऐसे कवर करना है। और आप प्लेट का या किसी भी चीज़ का ढक्कन लगाकर इसे एक साइड में रख दें। अब हम बनाएंगे भोग के लिए हलवा। तो मैं आज बना रही हूँ सूजी का हलवा। उसके लिए मैंने पैन में 1 चम्मच जो है वो घी लिया है। घी को गर्म होने दें। घी गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पे 1/2 कटोरी जो है वो सूजी लिया है। अब इस सूजी को जो है वो हमको 4 से 5 मिनट अच्छे से घी में भुनना है। गैस का फ्लेम यहाँ पर आपको जो है वो मीडियम से लो में ही रखना है। ज़्यादा तेज रखेंगे तो आपकी सूजी जो है वो जल सकती है। तो इसे बस हिलाते रहना है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड किया है। हाफ कटोरी सूजी के लिए मुझे यहाँ पर 1 बड़ा गिलास जो है वो पानी का लगा है। अब जो है वो हम इसमें शुगर मिक्स कर देंगे। चीनी
चीनी डालने के बाद हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जो भी अवेलेबल हो आपके घर में आप ले सकते हैं, और इसे भी थोड़ा सा मिक्स कर लें ताकि ये जो ड्राई फ्रूट जो है वो सॉफ्ट हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि जो हलवा है उसने जो पैन का जो तला है वो चिपक नहीं रहा है, अलग हो गया है। तो अभी जो है वो हम इस हलवा जो है वो हमारा ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है। अब उसके बाद हम हमारे चना का जो कुकर था वो चेक कर लेते हैं। तो ये चने जो हैं वो एकदम अच्छे से 2 सीटी लगाए हैं मैंने, तो ये अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब हम बनाएंगे चने की सब्जी। तो उसके लिए मैंने एक पैन लिया है, पैन में ऐड किया है ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाली है हींग। हींग के बाद मैंने इसमें डाले हैं 2 से 3 कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते के बाद मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा। जीरा डालने के बाद 1 चम्मच जो है वो हरी मिर्ची ली है। अब हम इसे थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। अब जो है वो हम इसमें टमाटर डाल रहे हैं, क्योंकि ये नवरात्रि की भोग की थाली बन रही है, तो प्याज और लहसुन का उपयोग जो है वो हम इसमें नहीं करेंगे हमारे खाना बनाने में। तो मैंने यहाँ जो है वो मेरे पास एक बड़ा टमाटर था जिसका आधा काट के मैंने इस चने की सब्जी में अभी डाल रही हूँ। इसके बाद मैंने डाला 1 चम्मच सॉल्ट। उसके बाद 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 स्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी और धनिया पाउडर। अब हम मसाले को जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे पानी, क्योंकि ये सूखी जो है वो चने की सब्जी बनने वाली है, तो इसलिए मैंने पानी जो है वो बहुत ही कम ऐड किया है। अब हम क्या करेंगे, जो चना हमने उबाल के रखा था उसको इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स कर लें इसे अच्छे से। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक्स्ट्रा 1 to 2 स्पून कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा छोले मसाला पाउडर। वापस से हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और इसे ढक दे के 5 से 7 मिनट पकने देंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, तो ये जो हमारा जो चना है वो बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया जो है वो डाल रहे हैं। अब बारी आती है आलू की सब्जी बनाने की। तो आलू की सब्जी बनाने के लिए मैंने फिर से पैन ले लिया है और इसमें ऑयल ऐड किया है। ऑयल गर्म होने के बाद फिर से हमें इसमें हींग डालनी है। हींग डालने के बाद हमने थोड़ा सा जीरा डाला है।
जीरा जो है वो अच्छे से चटक चुका है, उसके बाद हमने जो है वो कड़ी पत्ती डाली है। करी पत्ते के बाद हमने 1 चम्मच भर के जो हरी मिर्ची बारीक कटी हुई थी वो डाली है। अब इसे थोड़ा सा सॉटे करेंगे। अब ये जो आधा टमाटर मेरे पास बचा हुआ था चने की सब्जी में से, उसमें से आधा टमाटर जो है वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैंने यहाँ पे 2 जो थे वो बड़े आलू, मीडियम साइज आलू और बड़े आलू भी बोल सकते हैं आप, उनको अच्छे से धो के काट लिया है और उसको इसमें डाल दिया है। अब लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने 1 चम्मच। हाफ स्पून डाला है यहाँ पर हल्दी पाउडर। वन स्पून कोरिएंडर पाउडर और 1 चम्मच सॉल्ट डाला है मैंने। आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। इसे अच्छे से कर लीजिए मिक्स। मिक्स करने के बाद हम ये जो आलू की सब्जी है वो थोड़ी तरी वाली बनाएंगे, तो मैंने यहाँ 1 गिलास जो है वो पानी डाल लिया है। अब हम इसे ढक्कन लगा देंगे और 7 से 10 मिनट पकने देंगे। 7 से 10 मिनट हो चुके हैं, उसके बाद में हमारे आलू जो है वो बन के तैयार हो गए हैं। एंड में अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, तो ये हमारी आलू की सब्जी जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। अब जो है वो हम एक पैन लेंगे और उसमें ऑयल ऐड करेंगे हमारी पूरियां बनाने के लिए। और ये था हमारा आटा जो हमने एक साइड में ढक के रखा था। जब तक तेल गरम हो रहा है मैंने थोड़ा सा और ऑयल लिया है और इस आटे को अच्छे से वापस से मसला है थोड़ी देर के लिए। अब जो है मैं थोड़ा सा ऑयल अपने हाथों में लगा के छोटी छोटी लोई बना रही हूँ। आप चाहें जिस आकार की बना सकते हैं। तो ये मेरी सारी लोयां जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आटा लेंगे, उसको तेल में डाल के देखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं झट से ऊपर आ गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा तेल जो है वो पूरी तलने के लिए बिल्कुल गर्म हो चुका है। तो अभी मैंने जो है जहाँ पे मैं पूरी को बेलूंगी वहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और अब मैं पूरी को बेलना शुरू करूंगी। एकदम हल्के हाथों से पूरी को बेलें। अब जो है हम पूरी को तलना शुरू करेंगे। एक साइड से पूरी सिक चुकी है, तो अभी हमको उसको दूसरे साइड से तलना है। एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लें और ये आप देख सकते हैं पूरी जो है वो बन के रेडी हो चुकी है।
तो इसी तरह से मैंने जो है वो अपनी सारी पूड़ियाँ जो है वो तल ली है। या आप देख सकते हैं कितनी फूली फूली पूड़ियाँ बन रही है। तो इसी तरह से मैंने अपनी सारी पूड़ियाँ बना ली है। अब हम बनाने जा रहे हैं रायता। तो रायते के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, उसमें मैं ले रही हूँ दही, मैंने यहाँ 4 से 5 चम्मच जो है वो दही लिया है। अब मैं उसे अच्छे से चम्मच की हेल्प से जो है वो उसको फेंटना चालू कर रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और वापस से इसे फेंटूँगी। और आप देख सकते हैं आपका जो है वो इस तरह से रहना चाहिए। अब मैं इसमें जो है मैंने लौकी जो है वो थोड़ा कस लिया था, ग्रेट कर लिया था, वो मिक्स कर रही हूँ। तो लौकी के बाद मैंने यहाँ पे लिया है भुने हुए जीरे का पाउडर 1 छोटा चम्मच और आधा छोटा चम्मच जो है वो नमक लिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें मेरे पास सूखा हुआ धनिया पत्ता पड़ा था तो इसको मैं हाथ से ऐसे मसल के इसके ऊपर डाल रही हूँ। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा जो है वो रायता बनके रेडी हो गया है। बहुत ही इजी है, आप लोग भी ट्राई करिएगा। अब आता है हमारा जो भगवान की भोग की थाली है उसको प्रिपेयर करने का। तो ये मैं आलू की सब्जी डाल रही हूँ, फिर चने की सब्जी और फिर जो हमने रायता बनाया था वो डाल रही हूँ। यहाँ पे आ गई है पूड़ियाँ और हलवा। तो ये हमारी जो भोग की थाली है वो बन के रेडी हो चुकी है। अब मैं आ गई हूँ भगवान के पास। तो मैंने यहाँ पे जो ये नारियल लिया है, मेरे पास वो बड़ा वाला नारियल नहीं है और अभी चूंकि हम घर से बाहर नहीं जा सकते तो मेरे पास ये नारियल था, इसलिए मैं यही ले रही हूँ। और मैंने उसको चारों तरफ से मूली से लपेट के एक जल के कलश के ऊपर विराजमान कर दिया है, विराजमान मतलब बिठा दिया है। यहाँ मैं दिया जला रही हूँ। अब मैं भगवान को कुंकू का टीका लगाऊंगी, चावल चढ़ाना है और उसके बाद माता रानी को जो है वो हमको भोग चढ़ाना है जो भी हमने बनाया है। अब जो है मैंने यहाँ पे एक कपूर लिया है तो मैं एक कपूर की जोत जलाऊंगी भगवान के लिए। तो यहाँ पे मैंने कपूर जला लिया है और मैं माता रानी की आरती कर रही हूँ। तो ये था आज का मेरा एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो
तो आप जो है वो और भी ऐसे वीडियो देख पाएंगे। मैं मिलूंगी फिर से आप सभी को एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। आप सभी को नवरात्रि की मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।